हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, मतलब क्लाइमेट और इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, न्यू यूजर हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज हमारी क्लास में क्या है। बात करेंगे क्लाइमेट की, क्या क्लाइमेट होता क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेस का क्या क्लाइमेट हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक कौन-कौन सी कंडीशन होगी, वहां का टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वहां की हवा, विंड, इन तीनों कैरेक्टर के आधार पर हम किसी भी प्लेस का क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखते हुए वहां के क्लाइमेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये प्रोसेस कई सालों के क्या स्टडी के बाद हम कर सकते हैं। मतलब कि क्या कि किसी प्लेस का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे किस पे, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और विंड पे, उसके आधार पर वहां का क्लाइमेट हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये होता है क्या क्लाइमेट। अब इसको अफेक्ट यानी प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले टोटल 6 फैक्टर्स हमने यहाँ बताए हैं। पहला लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, दूसरा एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, डिस्टेंस फ्रॉम सी समुद्र से दूरी, विंड हवा, वेजिटेशन वनस्पति और ओशन करंट्स महासागरी या बोले तो सागरी जलधाराएं। क्लियर। तो ये 6 फैक्टर हैं जो कि हमारे इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि करके किस प्रकार से इनका क्या मतलब होता है, किस प्रकार से ये अफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश। तो लैटिट्यूड किस प्रकार से हमारे इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा वो देखते हैं। तो हमने फिजिकल जियोग्राफी की जो क्लास ली थी उसमें हमने मतलब लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड की, उसमें हमने बताया था कि लैटिट्यूड लाइन क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है। एक हमने टेम्परेचर जोन ही बनाया था, है ना। तो उसमें सब चीजें क्लियर की, उसके आई बटन हम लिंक दे रखेंगे, आप वहां से देखिएगा। फिर थोड़ा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं कि जो हमारी ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच 0 डिग्री पे कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर लाइन होती है। अक्षांश को क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या होती है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होती है। फिर उसके ऊपर हम अगर नॉर्थ में जाएं तो 66.5 पे है कौन सी, आर्कटिक सर्कल। 66.5 नॉर्थ में कौन सी है, आर्कटिक सर्कल। और अगर हम साउथ की बात करें तो 0 डिग्री से साउथ में 23.5 पे कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 साउथ में। क्लियर। और उसके बाद 66.5 साउथ में क्या है, अंटार्कटिक सर्कल है। कौन सा सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर। अब होता क्या है कि जब ये हमारा जो इक्वेटर के पास वाला जोन है यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो जोन है, ये यहां पर क्या सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती हैं, ठीक। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टॉरिड जोन बोलते हैं, क्या, उष्णकटिबंधीय जोन बोलते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और इसी प्रकार टॉरिड जोन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का जो क्षेत्र है ये भी सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा गेन करता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको भी टॉरिड जोन बोलते हैं। इसके बाद साल में केवल एक बार जो सूर्य की किरणें होती हैं, सनलाइट होता है, वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर साल में केवल एक बार पड़ती है। तो इस क्षेत्र से लेके आर्कटिक सर्कल तक का जो जोन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे कंपेयर टॉरिड जोन के टेम्परेचर कम होता है, आई बात समझ में। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ नीचे की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर एंटार्कटिक सर्कल तक, यहाँ भी सूर्य की किरणें हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साल में केवल एक बार परपेंडिकुलर पड़ती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ से कम होता है। तो ये टेम्परेट जोन और इधर भी टेम्परेट जोन होता है। और जो हमारा नॉर्थ पोल से लेकर आर्कटिक सर्कल तक का जोन होता है, यहाँ पर कभी भी सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर नहीं पड़ती, इसलिए इस क्षेत्र में हमेशा बर्फ जमी रहती है, हमेशा ठंडक होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। क्लियर। मतलब कि हम जैसे लोअर लैटिट्यूड किसको बोल रहे हैं, 0 डिग्री, अपर लैटिट्यूड 90 डिग्री को, या इसके ऊपर जो लैटिट्यूड है उसको अपर बोल रहे हैं। तो जब 0 डिग्री से हम यानी लोअर लैटिट्यूड से अपर लैटिट्यूड या हायर लैटिट्यूड की चलते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है। लोअर लैटिट्यूड से अपर की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम साउथ में बात करें तो लोअर से जब हम हायर लैटिट्यूड जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है।
आई बस समझ में। तो किस प्रकार से अब इसके आगे बताएंगे कि किस प्रकार से सूर्य की किरणें यहाँ पे बारे लंबवत पड़ रही, कितनी बार पड़ रही। तो साल में दो बार जो सनरेज होता है वो इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती है, इसलिए सबसे ज्यादा जो हीट होती है, सबसे ज्यादा सनलाइट होता है, एनर्जी होता है, ये गेन करता है ये क्षेत्र। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, टॉरिड जोन बोलते हैं। और अगर हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये हमारे वर्ल्ड में ये इंडिया का मैप है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बीचों बीच होकर गुजर रही है इंडिया के। तो जो नीचे वाला क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो टॉरिड जोन में है, लेकिन जो नॉर्थ ऑफ इंडिया का क्षेत्र है वो कहाँ पर है, टेम्परेट जोन में है, क्लियर, टेम्परेट जोन में है। तो जो नॉर्थ वाला एरिया है वो क्या, ठंडा एरिया रहेगा कंपेयर देन साउथ वाले के, और ये जो हो रहा है हमारा एरिया गर्म होगा, क्यों, क्योंकि टॉरिड जोन में होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो तमिलनाडु है, यहाँ तमिलनाडु कहाँ है, साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में ज्यादा गर्मी पड़ती है और हमारे दिल्ली में राजधानी में टेम्परेचर कम होता है, गर्मी कम पड़ती है। नॉर्थ इंडिया में गर्मी कम पड़ती है, साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा पड़ने का कारण क्या, केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच से होकर गुजरना और साथ ही साथ उसके टॉरिड जोन और टेम्परेचर जोन में विभाजित करना, क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। तो ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, हल्का अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इंडिया में क्या होता है, अर्थ में क्या होता है, सीजन का चेंज होता है। और ये अपने एक्सिस पे भी क्या रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है, उसके अपने एक्सिस पर रोटेशन, क्लियर। और थोड़ा झुकी, जो झुकी हुई है ये सेंटर से, इसके कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक ना। ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है वो आगे हम देखेंगे। तो अब देखते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन, सीजन में जो चेंजेज आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं। तो एक ही हमारी कंडीशन, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सर के अराउंड क्या रोटेट होती है, क्लियर। तो इसमें हम चलते हैं, पहले देखते हैं इस कंडीशन में, जून वाली कंडीशन में। तो जून में क्या होता है कि जो सन की रेज है, सन की रेज कहां पर परपेंडिकुलर पड़ती है, पड़ती है वो परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर पड़ती है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर पड़ेगी तो क्लियर सी बात है कि ये देखिए ये क्या है, हमारा आर्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे का दिन होगा, 24 घंटे का दिन होगा, लेकिन जो ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल है, ये इधर अंटार्कटिक सर्कल है, यहाँ पे 24 घंटे की रात होगी, क्लियर। क्या 66 डिग्री नॉर्थ में क्या होगा, 24 घंटे का दिन होगा, 66 एंड हाफ डिग्री साउथ में क्या होगा, 24 घंटे की रात होगी। अब बचता है इसके बाद की जो हिस्सा है, तो बाकी जो हिस्सा इधर का, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन छोटा और रात लंबी होगी, हम बात कर रहे हैं साउथ की। अगर हम ये चीज नॉर्थ में चले जाएं तो नॉर्थ में क्या होगा, दिन लंबा लेकिन रातें छोटी होंगी, दिन लंबा रातें छोटी होंगी। तो होगा क्या, जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो दिन बड़ा और रात छोटी होती, साथ ही साथ क्या होती उस टाइम पे, समर सॉलस्टिस कंडीशन बनती है, मतलब वहां पे गर्मी पड़ती है, क्लियर। फिर ये जो पृथ्वी हमारी घूमते हुए कहां पर आएगी, इस जगह पर आएगी जस्ट 3 महीने बाद, सितंबर 22 एंड 23 वाली कंडीशन में। तो यहां पर क्या होगा कि जो सन की रेज होगी वो परपेंडिकुलर पड़ेगी कहां पर, हमारे पृथ्वी के इक्वेटर पर। इक्वेटर पे पड़ने के बाद क्या होगा कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे, क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा। जब दिन रात बराबर होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, क्या इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक। और सीजन कौन सा होगा, सीजन होगा ऑटम्नल सीजन होगा। फिर इसके बाद जस्ट 3 महीने बाद पृथ्वी हमारी कुछ इस कंडीशन पे आएगी, ये होगा दिसंबर 21-22 की कंडीशन। तो यहाँ पर पृथ्वी जो सन की रेज होगी वो कहाँ पड़ेगी, परपेंडिकुलर सीजन पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी कि मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी। मकर रेखा पर लंबवत पड़ने पर क्या होगा कि जो हमारा ये 66 डिग्री नॉर्थ, इसके जस्ट अपोजिट की बात कर रहे हैं, ठीक ना। वहां पे क्या था, 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में क्या था, 24 घंटे का दिन था, इस कंडीशन में 66 एंड हाफ पे क्या होगा, 24 घंटे की रात होगी। वहां पे 66 एंड हाफ साउथ में रात थी, यहाँ पे क्या होगा, 66 एंड हाफ साउथ में 24 घंटे का दिन होगा, क्लियर। यहाँ पर रातें क्या थी, वहां पे रातें ऊपर लंबी थी, तो यहाँ पे रातें ऊपर क्या होगी, छोटी होगी, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी घूमी हुई किधर, सूर्य की रोशनी की ओर, जो साउथ वाला पार्ट है। तो क्या होगा कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है यहाँ पे क्या होगा, दिन छोटा रात लंबी होगी, और साउथ वाले पार्ट में क्या होगा, दिन लंबा रात छोटी होगी। तो हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में नॉर्थ नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, तो हमारे इंडिया में उस टाइम पे क्या होगा, ठंड का सीजन होगा, ठीक ना, विंटर सीजन होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं, क्लियर। लेकिन जो साउथ वाला एरिया, वहां पर क्या होगा,
समर सॉलिशिस होगा, वहां पे क्या गर्मी पड़ेगी, क्लियर। फिर इसके बाद पृथ्वी घूमते हुए हमारी कहां पर आएगी, इस कंडीशन में 3 महीने बाद मार्च 2021 की कंडीशन में। तो यहां पर फिर क्या होगा, हमारे सूर्य की किरणें इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ेगी, सूर्य की किरणें इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ेगी, तो क्या होगा 12 घंटे रात 12 घंटे दिन, यानी दिन और रात बराबर होंगे। तो इसको फिर क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम इसको, इक्विनॉक्स, हिंदी में बोलते हैं विषुव, क्या बोलते हैं विषुव, क्लियर, क्या बोलते हैं विषुव। तो ये हमें होगी वर्नल इक्विनॉक्स। तो ये थी हमारी पृथ्वी जिस प्रकार से रोटेट होती है अराउंड द सन और किस प्रकार से सीजन में चेंजेस आते हैं उसका। तो आई होप समझ में आया होगा किस प्रकार से सीजन में चेंजेस हमारे इंडिया में आ रहा है। तो जो हमारा ये लैटिट्यूड है वो किस प्रकार से इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो समझ में आया किस प्रकार से कब ठंड पड़ती है, कब गर्मी होती है, कब बसंत आता है, क्लियर। अब देखते हैं अगला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, कि जैसे जैसे एक कंडीशन, अच्छा एक ही और, कि मान लीजिए कोई ऊंचाई वाला क्षेत्र है, मान लीजिए बात करते कोई माउंटेन है, क्लियर, ये क्या है कोई माउंटेन है, माउंटेन में कोई बंदा है और कोई बंदा नीचे है अर्थ सरफेस पे, तो ज्यादा टेम्परेचर कौन गेन करेगा, किसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, ज्यादा टेम्परेचर गर्मी किसको ज्यादा महसूस होगी, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, क्योंकि सन यहाँ पर है तो सन की रेस पहले उसके पर पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि इसको गर्मी ज्यादा महसूस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जस्ट अपोजिट होता है, जो अर्थ के सरफेस पर है उसको ज्यादा गर्मी महसूस होगी और जो माउंटेन पे है उसको गर्मी कम महसूस होगी, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होता जाता है, क्लियर। तो देखते हैं जैसा कि जो सन हमारा है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, अर्थ का सन है, तो सन में क्या होता है, सन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन होता है, ठीक ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 4 पार्टिकल फ्यूज होके हीलियम का 1 पार्टिकल बनाते हैं, ठीक, हाइड्रोजन के 4 पार्टिकल फ्यूज होके हीलियम का 1 पार्टिकल बनाते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी क्यों रिलीज करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन का 4 यूनिट, इसकी कितनी, अगर इसका मास कितना है, 1 यूनिट है, ठीक, मास कितना है, 1 यूनिट है, तो जो हीलियम बनेगा तो ये टोटल इसका ही मास 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक, इक्वल मास कंडीशन से, ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या है कि यहां पर लगभग 0.7 यूनिट ही क्या होता है, हीलियम बनता है, बाकी जो 0.3 यूनिट है वो कहां जाता है, तो वो जाता है कहां पर, वो जाता है आइंस्टीन सिद्धांत के आधार के पास, या आइंस्टीन के पास जाता है, क्लियर, कहा जाता है आइंस्टीन के पास जाता है। वो क्या बोलते हैं, ए इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ए इक्वल टू एमसी स्क्वायर मतलब कि मास कितना है, 0.3 इंटू सी, सी इक्वल, सी स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक, वाई में प्रकाश की चाल, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हमको प्राप्त होगा। अब ये अमाउंट कब कब बात कर रहे हैं, जब केवल 1 यूनिट हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बना रहा है, तो क्या पूरे सूर्य में केवल 1 यूनिट ही हाइड्रोजन फ्यूज होता है, नहीं, ना जाने कितने यूनिट हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बनाता है। तो अगर 1 यूनिट फ्यूज होने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो जब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूज होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कि वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा कौन, सन। तो कुल मिला के यही, तो ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है जो कि हमारी पृथ्वी पर आती है। अब बात करते हैं इसके बाद कि कितनी एनर्जी आती है, कितनी एनर्जी कहां जाती है, पृथ्वी पर आती है कितनी कहां जाती है। तो देखिए इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये हमारा सूरज है, यहां से क्या हुआ 100%, यहां से 100% रेडिएशन, सोलर रेडिएशन क्या हुई, ट्रांसमिट की गई, ठीक ना, रिलीज की गई। अब वो आता है जब पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, तो उस वायुमंडल में होता है क्या है कि एटमॉस्फेयर के द्वारा कुछ एनर्जी या कुछ बोले रेडिएशन जो होती है सोलर रेडिएशन, वो तो क्या कर दी जाती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, क्लियर। तो कितने परसेंट, लगभग 6% की बात कर रहे हैं, 6% रेडिएशन क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा। फिर कुछ जो होती है क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, लगभग 20% के आसपास क्या होता है वो क्लाउड के थ्रू रिफ्लेक्ट कर दी जाती है।
लेकिन जो क्या बोले इसको रेडिएशन हमारी पृथ्वी पर आके टकराती है, इम्पैक्ट करती है, उसमें से लगभग 4% लगभग 4% क्या होती है रिलीज कर जाती है पृथ्वी द्वारा, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। ठीक, जो एनर्जी हमारे धरती पे टकराई आके हमारे सरफेस पे, वहां से लगभग 4% वहां से ही रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। इसके बाद जो 19% है जो हमारे एटमोसफियर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, 19% लगभग मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, और लगभग 51% 51% जो रेडिएशन होता है या सोलर रेडिएशन होता है वो पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो कुल मिलाके कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जो सरफेस होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, 90% 19% कौन एब्जॉर्ब किया है, हमारा एटमोसफियर एब्जॉर्ब किया है। ठीक, तो लगभग ये 70% के आसपास जो हो गया हमारे एटमोसफियर में एनर्जी अभी है। इसके बाद बाकी एनर्जी क्या हुई, रिफ्लेक्ट कर दी गई। तो कुल मिला के यह कि जो पृथ्वी का सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस और उसका जो एटमॉस्फियर है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करके रखा गया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ऊंचाई जब बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। क्लियर? तो इसलिए क्या होता है, जो माउंटेन पे बैठा बंदा है उसको कम एनर्जी महसूस होती है, कम गर्मी महसूस होती है, जबकि नीचे बंदे बंदे सरफेस पर बैठे बंदे को ज्यादा गर्मी महसूस होती है। क्लियर? देखिए एक और डायग्राम है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये उसका एटमॉस्फियर है जिसमें क्या क्या वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इस प्रकार के क्या हमारे गैसे मौजूद है, कहां पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। अब सूरज के द्वारा जो सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट वो की गई, क्या ट्रांसमिट की गई है, ठीक है, रिलीज की गई है, उसमें से क्या होता है, कुछ तो हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, कुछ एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, कुछ जो होती है हमारे धरती के पृथ्वी के सरफेस से यानी कि सरफेस से रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, और कुछ जो होती है लगभग 51% जो ही बताया वो क्या होता है, हमारे अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो कुल मिला के यह कि जो ये एरिया है, इतने के अंदर जो एरिया है वो क्या है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बताया लगभग 70% जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करके रखता है हमारे एटमॉस्फेयर प्लस अर्थ। तो ये जो एरिया है वो क्या है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसके बाद जो होती है बाकी ऊंचाई और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे, तो वो क्या ठंडक महसूस होने लगी। मतलब क्या कि हमने ये बोला कि ये क्या कितना 19% एब्जॉर्ब किया, इसने कितना किया, एटमॉस्फेयर ने 19% ऑब्जर्व किया, हमारी जो अर्थ सरफेस थी वो कितना 51% ऑब्जर्व किया। मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे, देखिए तो क्या हो रहा है, हीट कम हो रही है, मतलब गर्मी कम होती जा रही, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो कुल मिला के यह है कि टेम्परेचर जो हमारा एल्टीट्यूड पर भी हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। आएगा समझ में? चलिए, तो ये था हमारा एल्टीट्यूड। अच्छा एक चीज और छूट गई थी, तो ये देखिए अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर की लेयर वाइज टेम्परेचर किस प्रकार से वैरी करता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो पृथ्वी के सबसे पास जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं, ये सब जो क्या चलते हैं। तो जो हमारे ट्रोपोस्फेयर होता है, हमने बताया कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और कुछ जगह फिजिकल जियोग्राफी में बताया था कि एल्टीट्यूड क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। क्लियर? एल्टीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, एल्टीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्लियर? फिर जो हम बातें हैं इसके जस्ट अगले भी स्ट्रेटोस्फेयर में, तो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है, कौन सी, ओजोन लेयर। कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर, जो क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब करती है। किसका करती है, अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब करती है। देखिए और जो हमारे वायुमंडल में जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, सूर्य से आने वाली हर रेस को एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि वो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनके चरित्र जो होता है, उसके आधार पर पर्टिकुलर क्या फ्रीक्वेंसी के रेस को ही एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा बाकी क्या कर देते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। हमारी जो सन रेज आती है उसमें अल्फा बीटा गामा ये रेस होती है, इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक ना, ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रेस है।
ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रेस है। फिर इसके बाद नंबर किसका आता है, अल्ट्रा वायलेट रेस का, अल्ट्रा वायलेट रेस। ये अल्ट्रा वायलेट रेस किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, ये होती है ओजोन लेयर के द्वारा। किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये अल्ट्रा वायलेट रेस जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में एल्टीट्यूड बढ़ने से हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ड्यू टू ओजोन लेयर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा स्ट्रेटोस्फीयर में। फिर जैसे मेसोस्फीयर में जाएंगे तो सिंपल समय फिजिकल ज्योग्राफी का कंडीशन की टेम्परेचर घटता है जब कब, जब एल्टीट्यूड बढ़ता है। तो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। फिर जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे थर्मोस्फीयर में आएंगे, थर्मोस्फीयर में क्या होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे क्या होगा, वो भी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जब एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या होगा, एल्टीट्यूड प्रोपोर्शन होगा टेम्परेचर के। तो ये था कुल मिलाकर लेयर वाइज किस प्रकार से हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है तो किस प्रकार से लेयर वाइज टेम्परेचर वेरी करता है। क्लियर? तो ये हमारे एटमोस्फेयर की कंडीशन थी। देखते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी मतलब कि समुद्र से दूरी। अब इसको पढ़ने से पहले एक चीज थोड़ा बेसिक देखते हैं कि मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड सेंस की मान लीजिए हमारे जो इंडिया का मैप है जैसा, तो इंडिया के मैप में क्या होता है कि जो हमारा ये एरिया है, जो अगर हम बात करें दिल्ली वाले एरिया की, ये यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, मुंबई है। क्या है, मुंबई है। तो जो मुंबई वाला एरिया है ये क्या है, यहाँ पर इसके पास में क्या है, ये अरेबियन सी है यहाँ पर। क्लियर? क्या है, अरेबियन सी। तो ये अरब सागर जो है ये क्या है, एक वाटर बॉडी है। और जो हमारे दिल्ली है ये क्या है, लैंड लॉक एरिया है। लैंड लॉक एरिया मतलब यहाँ पर कोई बॉर्डर वाटर बॉडी नहीं है। तो क्या होता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। अगर मतलब एक को हम वाइब्रेट करेंगे तो लगभग सभी पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे। अगर हम एक पार्टिकल को टेम्परेचर देंगे तो सभी पार्टिकल टेम्परेचर को गेन करेंगे, जिससे क्या बहुत ही जल्दी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सॉलिड का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। अगर हम एक को ठंडा करेंगे तो सभी पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज कर देंगे अपनी, मतलब तो क्या मतलब वो बहुत ही ज्यादा जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसी प्रकार से टेम्परेचर क्या कम भी होता है, मतलब जितनी तेजी से गर्म गर्म होते हैं उतनी तेजी से ठंडे भी होते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड पार्टिकल्स कंपेयर देन सॉलिड दूर दूर होते हैं। तो क्या होते हैं कि अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो सॉलिड की कंपेरिजन में उतनी तेजी से गर्म नहीं होते जितनी तेजी से हमारा सॉलिड गर्म होता है। उसी प्रकार से अगर टेम्परेचर वापस लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो उतनी तेजी से ठंडा नहीं होता जितनी तेजी से कोई ठोस या सॉलिड ठंडा होता है। तो मतलब कि टेम्परेचर धीरे बढ़ता है और टेम्परेचर धीरे घटता भी है। क्लियर? जब गर्म करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है और जब ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे घटता है। आई बात समझे? तो अब बात करें दिल्ली वाले एरिया की, तो ये लैंड लॉक एरिया है, टोटली ठोस अवस्था वाली एरिया है। चार जब उसका जो एरिया है, लैंड है, वहां की जमीन है, तो पूरी तरह ठोस एरिया है। तो जल्दी गर्म होगी कंपेयर देन मुंबई के, और जल्दी ठंडी होगी कंपेयर देन मुंबई के। और जो मुंबई वाला एरिया, ये लैंड लॉक एरिया नहीं है बल्कि ये वाटर बॉडी के पास है, इसलिए क्या होगा, ये धीरे गर्म होगी और धीरे ही ठंडी होगी। इसलिए दिल्ली में गर्मी ज्यादा पड़ती है और ठंडी भी ज्यादा पड़ती है कंपेयर देन मुंबई के। क्लियर? तो ये था मतलब कुल मिलाकर यह कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वह सॉलिड की कम होती है, ज्यादा देर तक उष्मा को धारित करके नहीं रख पाता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब उष्मा धारिता क्षमता, उष्मा को धारण करने की, अपने अंदर रखने की जो कैपेसिटी होती है, क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो ठोस होता है वो उतनी देर तक हीट को एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाता, इसलिए इसकी क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है और इसकी लिक्विड की ज्यादा होती है। क्लियर? आई बात समझ में? अब देखते हैं, ये यहाँ पे हमने बताया कि वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। जो वाटर होता है वो क्या होता है,
लैंड के कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में धीरे गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है, इसलिए टेम्परेचर ऑन द कोस्ट आर माइल्डर। इसलिए जो कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्र के किनारे वाले एरिया, तटीय एरिया होते हैं, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक, कंपेयर देन लैंड लॉक एरिया। फिर इन लैंड एरियाज समर्स आर मच हॉटर, गर्मी क्या होती, बहुत ज्यादा गर्म होती है, एंड विंटर्स आर मच कोल्डर, और ठंडी बहुत ज्यादा ठंड होती है देन ऑन द कोस्ट, किसके कंपैरिजन में, तटीय एरिया के कंपैरिजन में। क्लियर? अब देखते हैं इसके आगे कि अगर हम दिन की बात करें या गर्मी की बात करें, गर्मियों में क्या होता है कि ये हमारा लैंड एरिया है और ये क्या है, समुद्री एरिया है, ठीक ना। तो लैंड एरिया में हमने बताया कि जो ठोस होता है तो गर्मी में टेम्परेचर को गेन ज्यादा करता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें समुद्र की, समुद्री एरिया की, तो यहां पर क्या होगा, ठंडा एरिया है, ठंडा एरिया है, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर, प्रेशर ज्यादा होगा। जब यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो हवा कम, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर ब्लो करेगी, ठीक ना, कम प्रेशर से, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चलेगी। तो जो हमारे गर्मियों के समय होते हैं तो हवा इस प्रकार से फ्लो होती है, ठीक ना। आई बात समझ में, मतलब समुद्र की ठंडी हवाएं लैंड एरिया में आती हैं, लेकिन इससे जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में क्या होता है कि जो हमारे ठोस एरिया है, बताया कि ठोस जो होता है जल्दी गर्म पड़ता है, जल्दी ही ठंडा पड़ता है, तो टेम्परेचर सर्दियों में क्या होगा, वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों, टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा, और इधर क्या होगा, ठंडियों में पानी वाले एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि पानी जो होता है लिक्विड होता है, देर से ठंडा होता है, देर से ही गर्म होता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब प्रेशर वहां कम है तो हवा कैसी चलेगी, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की हो तो हवा ऐसी फ्लो होने लगेगी। आई बात समझ में, तो ये होता है प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में कॉम्बिनेशन, उसका रिलेशन, और साथ ही साथ किस प्रकार से जो हमारे लैंड लॉक एरिया है वहां के टेम्परेचर, और जो हमारे वाटर बॉडी वाले एरिया है वहां पे के टेम्परेचर में किस प्रकार से डिफरेंस आता है। क्लियर? नेक्स्ट है विंड, कि हवा किस प्रकार से भारत के टेम्परेचर में या क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही है। तो जैसा कि पता है कि हवा दो ही प्रकार की होती है, तो ठंडी हवा होगी या तो वो गर्म हवा होगी। अगर हम गर्म हवा की बात करें तो वो क्या होगी, वो लू होगी, और अगर हम ठंडी हवा की बात करें तो क्या होगी, पैम्पेरो होगी। क्लियर? गर्म हवा होगी तो लू होगी, और ठंडी हवा होगी तो पैम्पेरो होगी। तो जो लू है वो कैसी हवा होती, गर्म हवा होती। गर्म हवा जब चलती है तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। किसी भी क्षेत्र में जब गर्म हवा चलती है तो वहां का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर टेम्पेरो यानी कि कोल्ड हवा, और जब ठंडी हवा चलती है तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आई बात समझ, तो ये हवा किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र के, किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को या फिर क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, ठीक। गर्म हवा हमेशा टेम्परेचर को बढ़ाएगी और ठंडी हवा टेम्परेचर को कम करेगी। ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। नेक्स्ट है वेजिटेशन, वेजिटेशन। तो आपने सुना होगा कि गर्मियों में पेड़ के नीचे ठंडक महसूस होती है, गर्मियों में पेड़ के नीचे ठंडक महसूस होती है। अगर मान लीजिए ये क्या है, कोई पेड़ वाला है, कोई पेड़ है, ठीक ना, कोई ट्री है, और सन की रेज इस पे आ रही है, सन की रेज क्या होती है, आ रही है। क्लियर? तो ये जो पेड़ है ये क्या करता है, इस सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो आसपास का एरिया जो होता है, या आसपास का जो एरिया होता है क्या होता है, ठंडा बना रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि पेड़ के आसपास का एरिया ठंडा होता है, पेड़ के नीचे ठंडक महसूस होती है। क्लियर? तो कुल मिला के जो वेजिटेशन होता है, जो वनस्पतियां होती है, हमारे क्लाइमेट को दो प्रकार से अफेक्ट करती है, दो प्रकार से प्रभावित करती है। पहला तो टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर यानी तापमान को अफेक्ट करती है, और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा को भी प्रभावित करती है। किस प्रकार से करती है, टेम्परेचर को उसने क्या किया, सनरेज को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया तो आसपास से टेम्परेचर ठंडा हो गया। फिर इसकी जो लीव्स है, इसकी पत्तियां हैं, वो क्या करती है, वेपर, वेपराइजेशन होता है, इसमें इवेपोरेशन होता है। तो क्या होगा, जब इवेपोरेशन में क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं क्लाउड सीड्स क्या करती है, रिलीज करती है, वो क्या करती है, वो वर्षा कराने का काम करती है। क्लियर? एक डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ पर है कि ये हमारे जो है,
ये क्या है, ग्रास लैंड एरिया है और ये वेजिटेशन एरिया है। क्या? ग्रास लैंड एरिया और वेजिटेशन एरिया। सूर्य से किरणें आई, सनरेज दोनों पे पड़ रही हैं। अब क्या हो रहा है, जो ग्रास लैंड एरिया है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है, रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, सनरेज को ये जो वहाँ वेजिटेशन एरिया है, जो पेड़ पौधे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ठीक, जिससे कारण क्या होगा, टेम्परेचर कम बना रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन भी कम मात्रा में होगा। इवेपोरेशन कम होगा क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद में जो पत्तियां हो रही है वो क्या कर रही है, इवेपोरेशन बड़ी मात्रा में कर रही है। इवेपोरेशन क्या कर रही है, बड़ी मात्रा में कर रही है। तो जब बड़ी मात्रा में करेंगी तो क्या करेंगी, वो क्लाउड्स का काम करेंगी, और क्लाउड्स होंगे तो बारिश होगी। मतलब कुल मिला के कि जो वेजिटेशन होते हैं वो क्लाइमेट को क्या करते हैं, तो ठंडा कर रखते हैं, और दूसरा वहां पर वर्षा का कारण बनते हैं, यानी कि वर्षा कराते हैं। तो वही बताया था अभी हमने थोड़ी देर पहले कि वेजिटेशन दो प्रकार से इफेक्ट करती है, तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेसिपिटेशन। क्लियर। अब लास्ट है ओशन करंट। क्या? ओशन करंट। किस प्रकार से ओशन करंट क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, वो देखते हैं। ओशन करंट, ओशन करंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल करंट होता है, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो करते हैं, तो उससे कारण क्या होता है, करंट जनरेट होता है, मतलब उनका डायरेक्शन एक ही होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। उसी प्रकार से जो ओशन वाटर्स है वो भी पर्टिकुलर उनका कॉन्टिन्यूस एक ही दिशा में जो बहाव होता है उसको क्या बोल सकते हैं, हम ओशन करंट बोलते हैं। क्लियर। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, पहला कोल्ड करंट और दूसरा वार्म करंट, कोल्ड करंट और वार्म करंट। तो कोल्ड करंट फ्लो टूवर्ड्स इक्वेटर, टूवर्ड्स इक्वेटर, कोल्ड करंट। जो हमारा ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इधर क्या इसी इक्वेटर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो जो ठंडी धाराएं होंगी कहाँ जाएंगी, वो इक्वेटर की तरफ जाती हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड करंट बोलेंगे। क्लियर। और जो इक्वेटर से दूर जाती हैं, ठीक है, जो इक्वेटर से दूर जा रही हैं इस प्रकार से, ये क्या कहलाएंगी, ये वार्म करंट कहलाएंगी। क्लियर। जो इक्वेटर के पास आ रहे हैं, ठंडी जल धारा, ठंडी धारा क्या हो रही है, इक्वेटर के पास आए तो गर्म होगी, तो ठंडी धारा जब आएगी तो कोल्ड करंट, और जब गर्म होके इक्वेटर से दूर जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, वार्म करंट कहलाएगी। क्लियर। अब देखते हैं इसमें एक ये डायग्राम बना रखा है मैंने कि किस प्रकार से वो प्रभावित करेगी टेम्परेचर को। देखिए, तो ओशन करंट कितने प्रकार का, वार्म करंट और कोल्ड करंट। क्लियर। तो वार्म करंट जब फ्लो होगा, जहां पे वार्म करंट होगा, गर्म करंट फ्लो होगी, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता ज्यादा होगी, और आर्द्रता ज्यादा होगी तो रेनफॉल होगा। क्लियर। सिंपल सी बात है कि अगर वार्म करंट है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बारिश भी बढ़ेगी। क्लियर। अब बात करते हैं कोल्ड करंट की। अगर कोल्ड करंट है तो वहां आसपास का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कम होगा तो ह्यूमिडिटी भी कम होगी, आर्द्रता भी कम होगी, और आर्द्रता कम हुई तो रेनफॉल कम हो जाएगी, और रेनफॉल अगर कम होगी तो किसका निर्माण करेगा, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का निर्माण करेगा। आएगा समझे। तो जो डेजर्ट का निर्माण करता है, डेजर्ट के फॉर्मेशन के लिए कौन सी करंट रेस्पॉन्सिबल होती है, कोल्ड करंट रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर। ये देखिए वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में हम कोल्ड करंट को दिखाए हुए कहाँ कहाँ डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ, वहां वहां कोल्ड करंट चल रही है। तो जो हमारी कैलिफोर्निया करंट है, ये कैलिफोर्निया करंट है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या सोनोरन डेजर्ट है, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, अटाकामा डेजर्ट यहाँ पर है, वहां पर क्या है, पेरू करंट चल रही है, ये भी कोल्ड करंट है, ये इक्वेटर है हमारी, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक, इक्वेटर लाइन के पास ही आ रही है कौन सी, कैलिफोर्निया करंट, ये आ रही है कौन सी, पेरू करंट, ये कौन सी आ रही है, मेरे जेला करंट, मेरे जेला करंट आ रही है, और फिर इधर ये कैनरी करंट आ रही है, ये सभी देखिए सभी क्या आ रही है, अब दूर से इक्वेटर के पास आ रही है, तो सभी क्या कर रही है, उसके बगल में जस्ट डेजर्ट का निर्माण कर रही है। यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे नामीब डेजर्ट है, और ये जो हमारा सहारा डेजर्ट है। क्लियर। तो कुल मिला के जो कोल्ड करंट होती है, हमें बोले ओशन करंट जो होती है वो किस प्रकार से क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, वो अगर कोल्ड करंट है तो किसका निर्माण करेगी, वो डेजर्ट का निर्माण करेगी। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर नए यूजर है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिल सके। ओके, थैंक यू।